नमस्कार सर, बहुत से ऑफिसर का मुझे कॉल आने लगा है कि राजू 50,000 रुपये पर मंथ मुझे इन्वेस्ट करना है, बताओ म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शन है। तो मैं उनको ये बता रहा हूँ कि 25,000 रुपया आप SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए और 25,000 रुपया इक्विटी में रखिए। 5,000 का 5 फंड लेंगे, SBI मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, चौथा फंड है HDFC मिड कैप फंड और पांचवा फंड है ICICI मल्टी कैप। इस 25,000 रुपया को 5,000-5,000 रुपया करके 5 फंड में डिवाइड करेंगे इक्विटी फंड में लंबे समय के लिए, और 25,000 रुपया हम डेट फंड में रखेंगे जहां रिटर्न आपको 7 से 8% ही मिलता है। ये पैसा आपका फंड मैनेजर शेयर में नहीं लगाते हैं, कंपनियों में नहीं लगाते हैं, ये डेट फंड है, डिवेंचर में लगाते हैं कंपनियों के। तो ये आपको सेफ हो गया 7 से 8% के लिए, इसको आप FD की तरह मानिए। और इस पैसे को हमने अलग अलग 5 इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, और इस पैसे को करना क्या है, इसको तो आपको छूना नहीं है, 15 साल तक चलता रहेगा। और जब जब मार्केट गिरता है 10% जिस दिन गिर जाए, यहाँ जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ है उन सारे पैसे को यहाँ पे आप इक्वली डिवाइड करके लगा देंगे। फिर आपको पता चला कि 2 साल के बाद फिर से कभी 10% का मार्केट करेक्शन हुआ है, तो जैसे 10% का मार्केट करेक्ट होगा यहाँ से फंड स्विच करके आप यहाँ डाल देंगे। लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड ही रिटर्न देगा, मार्केट ही रिटर्न देगा। तो ये सेफ फंड को आप हर बार क्या करेंगे, टॉप अप करते रहेंगे इस फंड में। ऐसा करने में इस पोर्टफोलियो से अगर लंबे समय में 50,000 रुपये पर मंथ हमने डाला, 15 साल में 12% का रिटर्न मिले तो 2.5 करोड़ रुपया बनता है। ये 50,000 रुपये पर मंथ चलता रहे 15 साल तक, 13% के रेट से बनता है 2,77,00,000, 14% के रेट से बनता है 3 करोड़ रुपया। ये पोर्टफोलियो एक 25,000 का इक्विटी में चला और 25,000 का डेट फंड में चला, और जब जब मार्केट 10% करेक्ट होगा हम इस पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, और 15% के रेट से बनता है 3,38,00,000 रुपया। इस टोटल कॉम्बिनेशन को, ये टोटल इस तरह से पोर्टफोलियो अगर बनाया जाए और इस तरह से अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो 3,38,00,000 रुपया होता है, 12% के रेट से 2.5 करोड़ रुपया होता है। अगर हम 6% के रेट से DSOP में इन्वेस्ट करते रहे आने वाले 15 साल तक, अगर एवरेज रिटर्न हम उसको 6% माने आने वाले फ्यूचर में, 6% के रेट से कैलकुलेट करें, तो हमारा पैसा यहाँ पे बनता है 1,46,00,000। और 12% का रेट भी हम कैलकुलेट करें इक्विटी म्यूचुअल फंड से तो यहाँ बनता है 2.5 करोड़ रुपया। इसमें थोड़ा बहुत टैक्स लग जाएगा, उसके बाद ये सारा पैसा आपका है, व्हाइट है। तो किसी भी प्लॉट फ्लैट में इधर उधर अननेसेसरी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने से बेहतर है कि आप बेहतर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए। जो बैंक म्यूचुअल फंड चला रहे हैं उसी कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। SBI को अपना बैंक भी है तो SBI म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं, एक्सिस को अपना बैंक भी है वो म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं तो एक्सिस स्मॉल कैप चुन लिया, HDFC को बैंक है, HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड है उसमें लगा देंगे, ICICI अपने आप में एक बैंक भी है और ICICI म्यूचुअल फंड भी चलाते हैं तो ICICI मल्टी कैप फंड में रख देंगे। इस तरह का आपको अगर कैलकुलेशन जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।